हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक और शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एक फ़ोन के ऊपर है। रेडमी नोट 10 का बारी खत्म हो गया फ्रेंड। रेडमी नोट 10 एस लॉन्च हो गया, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है, यानी कि 13th ऑफ मई को लॉन्च किया गया इंडिया में ऑफिशियली फ्रेंड्स। और इसका सेल डेट सारा चीज़ मैं रिवील करूँगा आप लोगों के साथ, सारा चीज़ फुल डिटेल दूंगा। आपको ये फ़ोन परचेज करना चाहिए या नहीं, सारा चीज़ डिटेल मैं दूंगा रेडमी नोट 10 एस के बारे में फ्रेंड्स। तो चलिए, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इस Redmi Note 10 S के परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर के ऊपर चलते हैं। तो इसमें MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर फ्रेंड्स दिया गया है, जो कि गेमिंग करने वालों के लिए, गेमिंग गेम खेलने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। आप इसमें हैवी गेम खेल सकते हैं, और अभी PUBG इंडिया में बैक हो रहा है तो वो भी आप इजिली खेल सकते हैं। अगर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए कोई भी फ़ोन परचेस करने वाले हो तो ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड, बहुत ही बेस्ट है। और इसका जो फ्रेंड्स Redmi Note 10 था, उसमें स्नैपड्रैगन का 678 प्रोसेसर दिया गया था, जो कि इसमें अपग्रेड थोड़ा किया गया है। G95 MediaTek का G95 प्रोसेसर दिया गया, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है फ्रेंड्स। और चलिए, इसी के साथ इसकी बैटरी के ऊपर चलते हैं। तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको दी गई है, और 33 W का इनबॉक्स फास्ट चार्जर आपको इस बॉक्स में दिया गया, जो कि 0 to 100% चार्ज करने में मात्र 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा में आपको फुल चार्ज करके दे देगा 0 से 100% तक। और बैटरी भी लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, अगर नॉर्मल यूज़ में आप 1.5 से 2 दिन तक इजी वे में आप चला सकते हैं। अगर हार्ड यूज़र हो, गेमिंग वगैरह करते हो, तो 1 दिन या फिर 20 से 24 घंटा तक आप आसानी से इसे यूज़ कर पाओगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें कि तो 6.43 inches की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फ्रेंड्स। इस प्राइस रेंज के नहीं, प्राइस रेंज भी बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, मैं लास्ट में बताऊंगा। और इस प्राइस रेंज में बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले दिया गया, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया फ्रेंड। और साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन दी गई है, जो कि आपके ग्लास को, आपके स्क्रीन को बहुत ही बेहतरीन बना के रखता है। और इस फोन में फ्रेंड्स MIUI 12.5 का सपोर्ट दिया गया, और एंड्रॉयड 11 भी आपको इस फोन में मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा एंड्रॉयड 11 का फ्रेंड्स। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इस फोन में मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन फोन है। लुक वाइज या फिर परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेहतरीन फोन है फ्रेंड्स, आप इसे परचेज कर सकते हो। और कुछ कैमरे के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आता है, जिसमें 64 MP का मेन कैमरा होगा फ्रेंड्स। और जो रेडमी नोट 10 था उसमें 48 MP का मेन था, इसमें कुछ अपग्रेड किया गया है रेडमी नोट 10 एस में, इसमें 64 MP का मेन कैमरा है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP प्लस 2 MP डेप्थ और माइक्रो के लिए फ्रेंड्स दिया गया, जो कि आप बैक कैमरे से बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज अल्ट्रा वाइड में, मेन कैमरा से बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फोटो आप क्लिक कर सकते हो, और वीडियो भी 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रेंड्स। उसी के साथ इसकी सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 13 MP जो Redmi Note 10 में था, वही सेम इसमें भी दिया गया। 13 MP का इसमें आपको सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि सेल्फी भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसमें क्लिक कर पाओगे। हाँ फ्रेंड, Redmi Note 10 का अगर आप अनबॉक्सिंग नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ मैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसका एक शॉर्ट्स भी बनाया हूँ गेमिंग खेलते हुए फ्रेंड्स, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा, उस तरीके का शॉर्ट्स अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया Redmi Note 10 का फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और जो इसका खास बनाता है इस फोन को, इसमें डबल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, जो कि Redmi Note 10 में आपको दिया गया था, वही सेम चीज़ ऊपर और नीचे दोनों साइड में डबल स्टीरियो स्पीकर्स इसमें दिए गए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी थी Redmi Note 10 की, आशा करते हैं कि इसमें भी होगी। और इसकी वेरियंट्स के बारे में बात करें तो फ्रेंड 4+64 GB का जो वेरियंट है 14,999 यानी कि 15,000, और इसका जो 6+128 GB का वेरियंट है वो फ्रेंड्स 15,999 यानी कि 16,000 में आपको मिल जाएगा। और इसका जो फर्स्ट सेल है फ्रेंड्स अमेजोन पे 18 मई को है, जो कि 12 बजे दिन से स्टार्ट होगा, आप वहाँ उस समय जाके आप इसे परचेज कर सकते हो, या फिर नोटिफाई लिंक वहाँ पर खुल गया है अमेजोन के वेबसाइट पर, वहाँ से जाके आप नोटिफाई कर सकते हैं, आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उस दिन आपको मेल आ जाएगा कि आपको आज सेल होने वाला है। अगर आप कुछ ऑफर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो SBI कार्ड्स के ऊपर 10% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर चल रहा है फ्रेंड्स, 10% का डिस्काउंट चल रहा है अगर फ़ोन को परचेज करते हो तो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए, हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।